हे वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर के बीच में। तो गाइज, अक्सर एक कमेंट हर वीडियोस में मैं देखता हूँ और जैसे जैसे 15 अगस्त पास आता जा रहा है ये कमेंट बढ़ता ही जा रहा है। वो कमेंट है भाई, पतंग कैसे उड़ाएं। हालांकि मैंने 2-3 वीडियो पहले डाली हुई है इसके ऊपर, भाई आप पतंग किस तरह से उड़ा सकते हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है कई बच्चों को, वो समझ नहीं पा रहे हैं भाई कैसे पतंग उड़ाएं, क्या बेसिक मेथड रहने वाले हैं। और कई कमेंट में पूछते हैं भाई सर, जब हवा ना हो तो कैसे पतंग उड़ाएं, और जब हवा ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो कैसे पतंग उड़ाएं। तो भाई ये जो आंसर है ना इसका, भाई जब हवा ना हो और जब हवा ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो कैसे पतंग उड़ाएं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है भाई, जब ज़्यादा तेज हवा चल रही हो तो हम किस तरह के कन्ने डालें, और जब कम हवा या नॉर्मल हवा चल रही हो तो किस तरह के कन्ने डालें। वो मैंने वीडियो डाल दिया कन्नों के बीच में, वो भी कैसे कन्ने डालने हैं। तो चलिए बात करते हैं पतंग कैसे उड़ानी है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने सद्दी लिया, यहाँ पर ये हमारी पतंग है यहाँ, ठीक है। जो आपको सद्दी इसलिए लेके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अगर नए नए या बिल्कुल बेसिक से पतंग उड़ाना सीख रहे हैं तो आप डोर लोगे तो डोर से प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। डोर से प्रॉब्लम ही होगी, हाथ खुद कट जाएगा आपका डोर से। दूसरी चीज़ ये डोर गुंजल खाएगी नीचे, यहाँ पर मतलब आपके पैरों पूरों में उलझेगी तो चोट पहुँचा सकती है आपको। और अभी आपको मैनेज नहीं करना होगा भाई डोर से किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सद्दी लेनी है, कन्ने बांध लेने हैं, टेपिंग टूपिंग कर लेनी है यहाँ पर। और जिनको ये नहीं पता भाई कन्ने कैसे बांधते, वो मैंने वीडियो डाल दिया है उसके बीच में, आप जाके देख सकते हैं भाई किस तरह से हम कन्ने बांध सकते हैं पतंग के, और कैसे कैसे वे हैं कन्ने बांधने, क्योंकि अलग अलग वे हैं भाई। तेज हवा के लिए अलग होता है, नॉर्मल हवा के लिए अलग होता है, पतंगबाजी के लिए अलग होता है, तो अलग अलग वे हैं कन्ने बांधने के। वो मैंने वीडियो बनाए, उसके भी मैंने 2-3 पार्ट बनाए हुए हैं, मतलब 2-3 पार्ट इन द सेंस 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं अलग अलग। कोई सा वीडियो देख लो आपको मिल जाएगी नॉलेज वहाँ से कैसे। तो ये मैंने यहाँ पर कन्ने बांध लिया है, सद्दी बांध ली अपनी। अब जो सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपका ठड्डा होता है, ठड्डा इन द सेंस मैं पहले पतंग का बता देता हूँ कि पतंग के कौन कौन से पार्ट होते हैं। बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, तीसरा कागज़ होता है, कागज़ होता है हमारा काइट पेपर जिससे पतंग बनी है। 2 पार्ट मेन होते हैं इसके तिल्ले, इसको बोलते हैं हम कमान, ये होते हैं हमारा कमान और ये होता हमारा ठड्डा, ठीक है। कमान ठड्डा जिस पतंग का बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा, वो पतंग एकदम परफेक्ट होगी। और ये जो कमान जो मतलब पतंगबाज है ना, उसके कभी भी देखना पतंगों के जो कमान ठड्डे होते हैं वो सिक्के हुए होते हैं, यानी यहाँ से ना ब्लैक 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 होंगे वो ना सिक्के होते हैं आग के ऊपर। उसका भी एक रीज़न है वो सिक्के होने का, एक तो उनमें मजबूती पैदा हो जाती है, एक में ना जो पतंगबाज होते हैं वो क्या करते हैं पतंगों से प्यार करते हैं, वो अपनी एक पतंग से जिससे वो बहुत सारी पतंगे काट सकते हैं ना संभाल के रखते हैं यादगार के तौर पे। तो अगर वो रखेंगे उस पतंग के जो मान लीजिए सिक्के हुए होंगे ना तिल्ले, जिसके उस पर ना घुन नहीं लगेगा, अब ये मत पूछना यार घुन क्या होता है, ठीक है, तो उस पर घुन नहीं लगेगा तो वो पतंग सेफ रहेगी लाइफ टाइम। हाँ, हालांकि उसका जो पेपर है वो जरूर डैमेज हो जाएगा, वो डैमेज तब होगा जब वो इन्वायरमेंट में खुले ओपन में पड़ी होगी, अगर उसको रखा हुआ आपने बढ़िया पैक वूक करके तो कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, ठीक है। तो ये 2 मेन पार्ट थे, पहला पतंग और फिर ठड्डा कमान, ठीक है। कन्ने आपने डाल लिए हैं, अब नेक्स्ट चीज़ ये तो हर किसी को पता भाई हवा के रुख किधर के, वो तो आप चेक कर रही लोगे दूसरी पतंगे देखते हुए भाई किधर पतंगे उड़ रही हैं, या फिर किसी झंडे को देख लेना, या फिर आप 2-4 मतलब इस तरह से पेपर लेना और पेपर कैसे उड़ा के दिखा देना, ठीक है। जिधर भी पेपर उड़ेंगे उस डायरेक्शन की हवा होगी, या फिर पेड़ों से पता लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे हमारे ये हमने मैंने पतंग ऊपर किया यहाँ पर, ठीक है, हवा में थोड़ी, अब ये देखिए इसकी पूंछ देख सकते हो उस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब हमारी क्या हवा उस डायरेक्शन की है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, अब नेक्स्ट स्टेप पतंग उड़ाने के ना बहुत से स्टेप हैं, ठीक है। अब उनमें से 2 मेन स्टेप है, 2 मेन क्या चीज़ है, हेड और ढील, 2 मेन है हेड और ढील। हेड का इन द सेंस ये जो हेड है ना, ये ऊपर का पोर्शन को हेड बोलते हैं भाई, जैसे जैसे हेड आपको दिखेगा थोड़ा ऊपर करना और ढील देनी है, थोड़ा ऊपर करना ढील देनी है। अब मैं समझाऊंगा इसको डिटेल में कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमें हवा पता लगी, हमने यहाँ पर कन्ने कुन्ने बांध लिए, उसके बाद हमने यहाँ पर झाप निकाल लिया इसको, और झाप कैसे निकालना है वो मैंने बताया है, ठीक है। झाप निकाल लेना, एक बार मैं बता देता हूँ झाप कैसे निकालना है। झाप आपको क्या करना है, झाप दरअसल में क्या होता है, ये ना जो ठड्डा होता है हमारा एकदम स्ट्रेट होता है, इससे क्या होगा आपकी पतंग ऐसे सौंधे सी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर इस तरह से नीचे आएगी। तो हमें क्या करना है भाई, हवा के उसमें भी एकदम सही रहेगी पतंग, ठीक है। तो हमें ये चीज़ चेक करनी होती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हमें बेंड करना होता है ये, तो हम इसका झाप निकाल देते हैं। तो ना कहीं यहाँ से ऐसे झाप निकालते हैं, बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे सर के और बीच में से निकाल देंगे, तो बीच में से गलत है। हमें क्या करना होता है, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, मैं फ्रंट से दिखाता हूँ, ये जो ऊपर का पोर्शन है, यहाँ जहाँ हमने कन्ने बांधे और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये बिल्कुल मिडल का पोर्शन, ये पोर्शन के बीच में ही हमें बेंड करना होता है इसको, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पतंगबाजी करना चाहते हो तो यहाँ की हमने ऐसे हाथ रखना है और थोड़ा बेंड कर देना है, बेंड हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जिस डायरेक्शन की हवा है, अब मेन चीज़ जो है, अब आपकी भाषा में पता नहीं यार क्या कहते होंगे उसको, तो हमारी भाषा में तो मतलब बोलते हैं भाई जैसे तुनको होता है ना, तुनका ठा ठा ठा, ऐसे हल्का 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 तुनका, ठीक है। पता नहीं आपकी भाषा में क्या कुछ बोलते होंगे उसको। तो जैसे अब हवा की डायरेक्शन है, देखो अब जैसे जैसे आप हाथ से छोड़ोगे, देखो पतंग खुद ब खुद उड़ रही है क्योंकि हवा तेज है। ये देखो ले घूमने भी लग गई, यहाँ पर ढील दी तो ये देखो, ये लो
ये उड़ भी गई यहाँ पर, क्योंकि ये उड़ी है हवा करके, हवा तेज है इसलिए पतंग उड़ना चालू होगी यहाँ पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपसे नहीं उड़ेगी भाई जब आप स्टार्टिंग करोगे, आपको क्या करना है थोड़ी सी पतंग नीचे की तरफ घेर लेनी है या अपने हाथ से ऐसे छोड़नी है, जो इसका हेड है ना हेड को ऊपर की तरफ हवा में उछालना है, ठीक है। यहाँ से एक बार देखिए, यहाँ से जब कन्ने यहाँ बांधे हुए ना जहाँ, यहाँ से आपको पकड़ना है, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ और इसको ना हवा में थोड़ा ऐसे करना है ऊपर की तरफ, ऐसे उछालना है इसको हवा में, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पर गिरा, ठीक है, आपको ये हो जाए एक बार हेड इसका, ये ऐसे, फिर ये ऊपर यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको फिर से समझ नहीं आया होगा, मैं फिर समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चल रही है भाई हवा, जब हवा तेज चलती है ना तो कन्ने भी दूसरे तरह से पड़ते हैं, ऐसे कन्ने नहीं पड़ते हैं यहाँ पर नॉर्मल वाले, फिर तेज हवा वाले कन्ने पड़ते हैं, वो मैंने वीडियो बनाए उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो हेड है मेन इसका, हेड को ऊपर की पोजीशन पर रखना है यहाँ पर ऐसे, बेशक पतंग ऐसे लटका देना, कहीं क्या करते हैं बिल्कुल नीचे लटका देते हैं पतंग को, कहीं यहीं पर रखते हैं, कोई कन्नी दबाता है, कन्नी ऐसे पकड़ेंगे ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, वो भी आसान तरीका है, कन्नी देने वाला बिल्कुल ईजी मेथड है, वो तब काम आएगा जब आप दो तीन लड़के होंगे या दो तीन जने होंगे ना, तब काम आएगा कन्नी वाला। अगर आप सिंगल उड़ा रहे हैं सबसे पहले प्रॉब्लम आपको चरखड़ी पकड़ने की आएगी, तो उसको तो कहीं दबा देना इस तरह टिल्ट करके, ठीक है। यहाँ पर जैसे ईंट रख देना और ऐसे आपकी तरफ मूव कर देना ताकि ढील आसानी से चल पड़े, ठीक है। तो करना क्या आपको, हेड है जो, हेड को हवा में ऐसे उछालना है, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर रखना है नीचे हेड को, आ जा भाई सिद्ध हो जा, इसको ऐसे हवा में उछालना है, थोड़ी पतंग ऊपर जाएगी हल्की हल्की ढील, ठीक है, ये देखो, और ये तुनका, ये तुनका, ठीक है। ये तब मारना जब उसका फेस ऊपर की तरफ हो, देखो फेस ऊपर की तरफ है, ये तुनका ढील देनी है, ये तुनका, ठीक है, ढील देनी। और अगर फेस नीचे की तरफ होगा बाई चांस आप तुनका मारोगे नीचे ही जाएगा, क्योंकि उसका हेड ही नीचे की तरफ है, तो आपको क्या करना है जब हेड ऊपर की तरफ होगा तभी तुनका मारना। ये ढुमका भी कहते हैं हमारे यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे ढुमका भी कहते हैं, वैसे तुनका बोलते हैं इसको, ऐसे तुनका, ठीक है। मैं एक बार फिर से उतार के दिखाता हूँ आपको, चरखड़ी पकड़ा देता हूँ मैं यहाँ पकड़ी, चरखड़ी एक बार लपेट देना थोड़ी, तो अंदाजा लगा सकते हो आप हवा कितनी तेज यहाँ पर चल रही है अभी, देखिए, ठीक है। ये था हमारा, हेड पे ध्यान रखना सिर्फ आपको, हेड जहाँ पर भी हेड हो, क्योंकि यही है, यही पतंग को ऊपर की तरफ ले जाएगा। अगर ये इधर डायरेक्शन में होगा ये इधर ले जाएगा, नीचे डायरेक्शन में होगा नीचे ले जाएगा, ऊपर डायरेक्शन में होगा ऊपर ले जाएगा, सारा काम इस हेड का है। अब आप इस हेड को कैसे मैनेज करते हो वो आपके ऊपर है उसके बाद, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे अभी तो ज़्यादा तेज हवा चल रही है यहाँ से, देखो ये अपने आप ही उड़ने की कोशिश कर रही है पतंग यहाँ पर ज़्यादा तेज हवा में, तो अगर आपने सही से कन्ने पाए हैं तो ये यहाँ पर ज़्यादा तेज हवा में खुद भी उड़ जाएगी। हाँ, क्या करना आपको, जहाँ से कन्ने बांधे हैं यहाँ से आपको या फिर नीचे लटका के या फिर यहाँ पर ऐसे रख के ना, ऐसे रखा आपने, ठीक है, थोड़ी डोर को ले लेना यहाँ पर और उसके बाद ऐसे करना है ऊपर उछालना है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ एक और बार ताकि आप अच्छे से सीख लो। यहाँ पर ऐसे रखा पतंग को, ठीक है, जहाँ से आपने कन्ने बांधे हैं यहाँ से पकड़ना है, डोर थोड़ी ऐसे रखनी है, ठीक है, और यहाँ रखने के बाद ऐसे उछालना आपको हवा में, ठीक है। फिर आने दे एक बार, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी अच्छे से सीख पाओगे आप। यहाँ पर ऐसे रखा, इसको हवा में उछाला, ठीक है। अब देखो हेड ऊपर है, मैंने ढुमका मारना स्टार्ट किया, हेड ऊपर है मैंने ढुमका मारना स्टार्ट किया, ढील दी हल्के हल्के, हेड ऊपर आया ढुमका मारना स्टार्ट किया, ढील दी हल्के हल्के, हेड ऊपर आया ढुमका मारना स्टार्ट किया, ढील दी हल्के हल्के, ये प्रोसीजर है सारा। ये देखो ढुमको और ढील, ढुमका ढील हेड जहाँ पर भी है, ये लो अब लग गई हवा में। अब चाहो तो आप ऐसे पकड़ के खड़े रहो आराम से, ये देखो अब एक जगह रहेगी पतंग यहाँ पर, ऐसे पकड़ के खड़े रहो अब, देखिए देखो एक जगह पकड़ रखे कोई वो नहीं, और पतंग देख सकते कितने आसानी से आराम से उड़ रही है अब यहाँ पर, जितनी ढील दोगे उतनी दूर पतंग जाती रहेगी आपकी। दो ही स्टेप हैं, कुछ नहीं, बस हेड देखना है और ढुमका मारना है आपको। अब हेड है ये देखो यहाँ पर, इसका कन्ना टूट गया, ये देखो इस तरह की हो गया, अब कन्ने टूट गए इसके नीचे वाले, तो ये देखो ये कन्ना टूट गया इसका नीचे वाला यहाँ का, ठीक है। और टूट भी क्या, खुल गया ये खुल ही गया ये कन्ना, ढीला बंद होगा ये, या एक आधी गांठ लगी होगी इसके ऊपर, ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में बांध दिया होगा तो ये खुल गया यहाँ पर। तो गाइज ये था पूरा किस तरह से आप पतंग को उड़ा सकते हो, होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि और भी फ्रेंड्स सर्कल में आपके उड़ाना सीख रहे होंगे, जो वो उड़ा सके इस पतंग को कैसे उड़ा सकते हैं। होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में।